राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की क्लोनिंग तकनीक पशु पालकों की आय को बढ़ाने में कारगर साबित होगी। पूरी तरह सफल संस्थान की इस तकनीक का फायदा जल्द ही किसानों को मिलने लगेगा। दुनिया भर में एनडीआरआई ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसने भैंसों में क्लोनिंग तकनीक की शुरुआत की है। इनके काफ के सीमन से जो मुर्राहा कटड़ियां पैदा होंगी वह एक दिन में 10 से 12 किलो दूध देंगी। इस तरह क्लोनिंग तकनीक से दूध उत्पादन दुगना होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। संस्थान के निदेशक डॉक्टर M.S. चौहान ने बताया कि इस साल जून में पैदा हुए क्लोन कटड़े का नाम तेजस रखा है। संस्थान में इस तकनीक से पैदा हुआ यह 16वां कटड़ा है। उन्होंने कहा कि तेजस के 8 और भाई हैं जिनमें 6 राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में और 2 करनाल में हैं। इन सभी को मुर्राह नस्ल के भैंस के कान के सेल से पैदा किया गया है। जल्द ही इनके सीमन को पशुपालकों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। गौरतलब है कि एनडीआरआई में हैंड गाइडेड तकनीक पर 2009 में पहली बार क्लोन कटड़ी गरिमा का जन्म हुआ था। इसके जन्म और तकनीकी की कामयाबी से पूरी दुनिया हतप्रभ रह गई थी। डॉक्टर चौहान ने कहा कि जिस भैंसे के कान का टुकड़ा लेकर क्लोन तैयार किया गया उस काफ में वही गुण आएंगे। काफ के सीमन का भैंसों के गर्भाधान में इस्तेमाल किया जाएगा। एनडीआरआई के क्लोनिंग तकनीक हिसार केंद्र को दी और वहां के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण भी दिया है। निदेशक ने कहा कि क्लोनिंग तकनीक का देश के कई संस्थानों में इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे क्लोनिंग के काम को और आगे बढ़ाएं। देश में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसी लिहाज से दूध उत्पादन बढ़ना जरूरी है। देश में दूध और दूध उत्पादों की मांग बढ़ रही है। कोरोना काल में अनुसंधान का कुछ काम प्रभावित हुआ था, अब फिर से काम शुरू कर दिया गया है। अगले साल क्लोनिंग से और भी कटड़े पैदा किए जाएंगे। देखिए करनाल से विशेष समाचार एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट। ICR के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में जो पिछले 10 सालों से काम चल रहा है क्लोनिंग में, उसमें काफ़ी उपलब्धियां आपके सामने हम लोगों ने दी है। और इसमें पिछले 10 सालों में हम 16 जो क्लोन काफ बफलो के हम यहाँ पर बना चुके हैं। और ये एक हमारे द्वारा जो विकसित हैंड गाइडेड जो क्लोनिंग है जिसको हमने हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर विकसित किया है और इसके तहत हम आगे जो काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल से जब अगर हम इसको जो देखते हैं तो हमने हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आज जो हमारे देश में सांडों की बफलों के जो भैंसे हैं भैंसा है उनकी कमी हो रही है। और कमी इसलिए हो रही है कि जो भैंसा जो अच्छे जो नस्ल का है जो जिससे हम मान के चले कि उससे अगर आने वाले अगर जो उसका सीमन इस्तेमाल करेंगे और वो जब वो कटड़ी बनेंगे या कटड़ी जब दूध में आएंगे तो उसका दूध उत्पादन अच्छा होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक भैंसा जो है जो हिसार में है मुर्रा भैंस का उसका हमने काम के टुकड़े से छोटे से सेल्स लेकर यहाँ पर हमने काम करना जो शुरू किया। ये काम हिसार में भी चल रहा है और उसके तहत यहाँ पर हमने 2 जो है काफ पैदा किए हैं, मेल काफ है। और ऐसे ही हिसार में भी क्योंकि जो तकनीकी हम लोगों ने यहाँ पर जो डेवलप की है हिसार में भी उस समय उसी जो भैंसा के कान के टुकड़े से इस समय 7 जो क्लोन काफ पैदा हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर उसी के जो कान के टुकड़े से 9 इस समय जो क्लोन काफ है हमारे पास। और इससे हम उम्मीद करते हैं कि आगे जब ये सांड बनेंगे और इनसे जो हम आगे उसको इस्तेमाल में करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा और उसको हम जब उससे जो बच्चे पैदा होंगे जो कटड़ियाँ पैदा होंगी वो दूध में आएंगे तो ये मान के चलें कि 10 से 12 किलो दूध उनका पर डे होगा। आजकल अभी हम अगर भैंस के दूध का जहाँ तक जो सवाल है हमारे हिंदुस्तान में अभी एवरेज जो है 6 से 8 है किलो जो पर डे का
और अगर इस भैंस के द्वारा जो भी जो है बच्चे पैदा होंगे तो अगर दूध 10 से 12 होता है तो लगभग आप मान के चलें कि दुगना दूध का उत्पादन होगा। और इस दुगने दूध के उत्पादन से कि अगर इस हिसाब से हम कई भैंसे अगर बना सकें और उससे उसको EI के द्वारा उसका सीमन को इस्तेमाल करें तो आने वाले जो दिनों में हमारा ये मानना है कि इससे दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और जो हमारे देश का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और हम सब लोगों का सपना है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो, उस दिशा की ओर हमारा जो एक प्रयास है। और अगर दूध का उत्पादन दुगना होता है तो आमदनी भी दुगनी होगी, इस चीज का आप जो भैया की माने, उस दिशा में NDRA काम कर रही है और NDRA के अब जो आगे भी हम इसी टाइप के जो अच्छे भैंसे हैं वो जो पैदा करेंगे और इस जो लगातार हम आगे जो ये काम करते रहेंगे। पिछले 6-7 महीने में थोड़ा सा दिक्कतें आई हैं क्योंकि जब वो थोड़ा सा मटेरियल की दिक्कत हो गई थी थोड़ा सा, तो इस काम में थोड़ा सा स्लो आया है, लेकिन अब आगे अब सब ठीक ठाक हो जाएगा हम उम्मीद करते हैं, तो काम में तेजी आएगी और इस प्रकार हमारे यहाँ जो संस्थान में हम और ज़्यादा ऐसे जो क्लोन का आपको पैदा कर पाएंगे। और जिसको जब एक बार ये हो गया पैदा तो हम ये इसको स्टेट गवर्नमेंट के फार्म हैं या दूसरे जो हमारे जो फार्म है जहाँ पर सीमन का फ्रीजिंग होगा वहाँ पर ये इस्तेमाल में लाएंगे ताकि वो जो किसानों तक इसका सीमन जो पहुँचेगा और जो वहाँ पर जो भी कतलियाँ पैदा होंगी वो दुधारू होंगी और दूध का उत्पादन। इसका क्या नाम रखा है जो नया काफ जो इसका नाम ये जो जून में हुआ है पैदा इसका नाम तेजस रखा है। और ये वास्तव में जो हमारे जो तेजस जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर इंडिजिनस है हमारी और इसके वजह से हम भी गर्व महसूस करते हैं कि इसका नाम जो है तेजस होना चाहिए, इसलिए ये रखा गया। सर फ्यूचर में क्या प्लानिंग है कुछ और हमारे ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।